हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम्स किचन। होली है रंगों का त्योहार। जैसे होली में हम तरह तरह के रंगों से खेलते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में भी तरह तरह की खुशियां मिले और आपकी लाइफ जो है वो अलग अलग तरह के रंगों से भर जाए। आइए आज हम होली के उपलक्ष्य में कुछ व्यंजन बनाते हैं, तो चलते हैं किचन में, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी डिशेस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो करें। अभी हम होली की पूजा करेंगे, उसके लिए हम बना रहे हैं प्रसाद। ये आटा मैंने गूंद लिया है टाइट और इसकी बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर मैं रख दूंगी इसे, फिर इसका हम प्रसाद बनाएंगे। मैंने बड़ी सी रोटी बेल दी है, अब हम इसको सेक लेंगे। तभी भी मैंने रोटी सेक रही हूँ। अब मैंने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, अब हम इसको घी में भुनेंगे और उसमें शक्कर और ड्राई फ्रूट डालकर प्रसाद को तैयार करेंगे। मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है, अब मैं इसमें ये रोटी के जो छोटे टुकड़े हैं वो डाल दूँगी। मैंने इसमें रोटी के टुकड़े डाल दिए हैं, अब मैं इसमें शक्कर डाल दूँगी और हमारा प्रसाद रेडी है। बस हम इसे एक दो बार घुमा लेते हैं। ये हमारा प्रसाद रेडी हो गया है। मैंने इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, एक घेवर ले लिया और ये है इसमें चीनी और चावल जो हम पूजा के समय डालेंगे। ये मैंने ले लिया है कच्चा दूध, जिसमें हम परिक्रमा करेंगे, तो उसमें हम कच्चा दूध और पानी मिलाकर होलिका की परिक्रमा करेंगे। आइए आज हम बना रहे हैं गुजिया, जो बहुत ही फेमस है, होली के टाइम पर खाई जाती है। होली का त्यौहार जो है वो गुजिया के बिना अधूरा रहता है, तो आइए गुजिया बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप्स जो है मैदा ले लिया है और ये है 2/3 कप घी। तो हम इसका पहले आटा गूंद लेते हैं। अब घी और आटे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालूंगी। देखिए मैंने घी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है और इसको हाथ में मैं से लेकर देखिए ऐसे ये जो बन रही है, तो हमारा घी जो है प्रॉपर डला हुआ है इसमें। अब हम इसको हल्के गुनगुने पानी से गूंद लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा गूंदेंगे, क्योंकि इसमें हमें बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम घी लगाकर फिर हम ढककर इसको आधे घंटे के लिए ढक देंगे। इसको मिक्सर में मैंने 1/2 कप चीनी ले ली है और 4 इलायची डाल दी है, इसको हम पीस लेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, काजू बादाम और पिस्ता के कतरन। अब हम इसे स्लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट को भी भून लेंगे। अभी कोकोनट भी भून चुका है, अब हम इसको निकाल कर रख देते हैं। इसी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है और अब हम इसमें सूजी को भून लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 कप सूजी ले ली है, अब इसे हम भून लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सूजी भून कर इसमें निकाल ली है। ये ड्राई फ्रूट्स हैं और ये डेसिकेटेड कोकोनट और ये पिसी हुई शक्कर। अब हम मावे को भून लेंगे। अब मावे को भून कर हम हलक से इसको रख देंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ही हमें इसके साथ मिक्स करना है जो हमने बना के रखा है प्लेट में। अगर हम गरम डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो ये मसाला है वो लिक्विड ही हो जाएगा, तो इसलिए हमें ठंडा करके मावा फिर ही हमें उसके साथ ऐड करना है। मैंने मावे को अलग से निकाल के रख दिया है। अब ये जब ठंडा हो जाएगा तभी हम उसके साथ उसको मिक्स कर देंगे। अब चाशनी बना लेते हैं एक तरफ। देखिए मैंने इसमें मावा मिक्स कर दिया है और हमारा ये स्टफिंग जो है वो रेडी है। हमें ऐसी ही ड्राई स्टफिंग इसकी रखनी है, तो आइए गुजिया बना लेते हैं। अब एक तार की चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हमने ले लिया है 3/4 कप चीनी और 1/4 कप पानी डाल देंगे। और 2-3 स्ट्रैंड्स डाल दिए हैं हमने केसर के। केसर जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे 8 मिनट तक उबालेंगे और हमारी एक तार की चाशनी है जो रेडी हो जाएगी। चाशनी हमने बना कर रख दी है, अब हम गुजिया तल लेते हैं।
मैंने आटे की गोल रोटी बेल ली है छोटी सी। अब इसमें हम जो हमने मसाला बनाया था स्टफिंग वो हम इसमें भर लेंगे। अब हम इसे हाफ करके इसे फोल्ड कर लेंगे और उसको किनारों से हम इसको प्रेस कर लेंगे। अब हम इसको फोक से साइड से ऐसे प्रेस कर लेंगे जैसे ही अच्छी तरह से पैक हो जाए। हमें चारों तरफ से इसे ऐसे फोक से प्रेस करना है और हमारी गुजिया रेडी है। हम इन गुजियों को रेडी करके रख देंगे ढककर और फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमने गुजियों को कढ़ाई में फ्राई होने के लिए डाल दिया है और अब हम इसे स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई करनी है हमें। करने के बाद हम इसे चाशनी में डुबो कर एक बार निकाल देंगे और अगर चाशनी आपकी गाढ़ी हो गई तो आप इसे वापस से गर्म कर लेना। देखिए सारी गुजिया रेडी हो गई है, हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। आज होली का त्यौहार है और समोसे ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हमारे यहाँ होली पर हर साल समोसे बनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैदे और आटे जो गेहूं का आटा होता है उसका आटा गूंथ के रख दिया है और मैंने मसाला भी तैयार कर लिया है। फिलिंग के लिए मैंने आलू का चटपटा मसाला भी रेडी कर लिया है। मैंने पहले भी इसका वीडियो शेयर किया है समोसे का, तो मैं उसका लिंक इसमें कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से देख लेना। आज हम बना रहे हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ समोसास। मैंने छोटी सी लोई लेकर ये छोटा सा गोल रोटी की तरह बेल लिया है। अब हम इसके बीच में ये आलू का मसाला फिल करेंगे और इसको हम गुजी की तरह से समेट देंगे और इसको बॉर्डर्स पे हम वाटर लगाएंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसको यहाँ से प्रेस कर देंगे जैसे ये चिपक जाए और इसको ऐसे हाथ में लेकर हमको इन दोनों कॉर्नर्स को ग्राइंड करना है और ये हमारा शेप बन गया। देखिए आइए अब दूसरा शेप बना लेते हैं। पहले हम गोल रोटी की तरह बना लेंगे फिर हम उसमें से स्क्वायर बनाएंगे, तो इसको हम चारों तरफ से ऐसे कट कर लेंगे। ये साइड के पोर्शन हम निकाल देंगे। अब यहाँ से हम ऐसी ऐसी लंबी लंबी इसमें लाइन बना लेंगे। साइड के पोर्शंस में हम आलू का मसाला भर देंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको पानी लगा देंगे। इसको ऐसे फोल्ड करके ये मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे अब हम पानी लगा देंगे। अब इसको ऐसे फोल्ड करते हुए ध्यान से पूरी फोल्ड कर लेंगे हम। इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ से इनको ऐसे पिंच कर देंगे, ये आपका डोनट का शेप बन जाएगा। अब ऐसी एक रेक्टेंगल शेप में हम काट लेंगे और इसके बीच में हम आलू की फिलिंग डाल देंगे और इसी शेप की आप एक और कटिंग ऐसे बना के और इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये चारों तरफ से हम पानी लगा देंगे और इसकी साइज की सेम कटिंग करके इसके ऊपर लगा देंगे। ये है मैक पफ वाली शेप, इसको हम ऐसे प्रेस कर देंगे चारों तरफ से। अब हम बना रहे हैं गुजिया वाला शेप, ऐसे सर्कल में बना के बीच में मसाला रख के और हम इसको ऐसे करके और यहाँ से पानी लगा देंगे, इसको ऐसे प्रेस कर देंगे, इसको स्पून से फॉक से ऐसे, ये हमारा बन गया गुजिया वाला शेप। अब एक हमने बना लिया स्क्वायर शेप का और इसको चारों तरफ से पानी लगा दिया है। अब सेंटर में इसको हम मसाला डालेंगे, कम ही डालना है मसाला,
तो ये बाहर निकल सकता है। अब इसको ये कोने को हम ऐसे यहाँ पे मिलाएंगे ऐसे, उसको इसके ऐसे चार कोने प्रेस करते हुए ये बन गया दूसरा शेप हमारा। ये हमने बड़ा रेक्टेंगल बना लिया है और इसमें हमने चारों तरफ से कट लगा दिया है। इसको मैंने एक साइड पर आलू का मसाला रख दिया है। अब इसका ये वाला पोर्शन अपोजिट वाला जो है वो इसे हमें इसके ऊपर ओवरलैप करके इसके ऊपर ऐसे ऐसे इसको पानी लगा दिया था मैंने, इसको ऐसे पेस कर देंगे। ये देखिए मैंने इसमें नाइफ से स्ट्रिप्स के जो हैं वो निशान लगा दिए हैं दोनों तरफ से, और अब हम इसके ऊपर ये पानी लगा देंगे और एक एक स्ट्रिप उठा के हम इसकी मैट वाली डिज़ाइन बनाएंगे। तो दोनों तरफ से भी हमें पानी लगाना है जिससे ये आसानी से लग जाए। एक स्ट्रिप हम यहाँ से उठाएंगे ऐसे लगा देंगे इसको खींच कर, और एक स्ट्रिप यहाँ से उठाएंगे तो ये अपना मैट वाला डिज़ाइन बनता जाएगा। देखिए आपको हर बार ऐसे करना है, एक यहाँ से एक यहाँ से आपकी डिज़ाइन। देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बनी है, तो आप भी इसे ट्राई करें, अच्छी बनेगी और बच्चे तो इसे बड़े चाव से खाएंगे। अब हम इन सबको फ्राई कर लेंगे। आइए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं, इन्हें हमें स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो शेप्स के हमने समोसे बनाए थे वो रेडी हैं, तो हमने सर्व कर दिए हैं चटनी के साथ। ये हमने बनाई है अमचूर और शक्कर की चटनी मीठी वाली, और ये बनाई है और धनिया और पुदीना की चटनी, उसमें केली भी डाल दी है, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों का टेस्ट अच्छा आएगा। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं, ये गुच्छी का है, ये डोनट, ये मैट वाला, ये है मैट पफ वाला, और ये छोटा समोसा बनाया है, और बड़े समोसे हमने बनाए थे, और ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बनाए हैं आज ट्राई करके। तो आप भी ज़रूर बनाएं और हमें बताएं कैसे बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय ऑल ऑफ यू।